नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज मैं बना रही हूँ चना चिल्ली। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची इस तरह से है। इसे आप पार्टी में स्टार्टर के जैसे सर्व कर सकते हैं या फिर साइड डिश के तौर पर एंजॉय करें। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए स्वादिष्ट रेसिपी बनाते हैं। 200 ग्राम चने को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें और बॉईल कर लें। ये चने बॉईल किए हुए हैं। इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिक्स करें। चने बॉईल करते समय आप ध्यान रखें, कुकर में सिर्फ एक ही सीटी लगानी है। इसे आप धीरे धीरे से चारों तरफ अच्छी तरह से कोट कर लें। चारों ओर कोटिंग करनी है। चनों को मध्यम आँच पर गर्म तेल में फ्राई कर लें। 7 से 8 मिनट में चने फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, चने फ्राई हो चुके हैं। इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें मध्यम आकार के 2 प्याज काट कर डालें। ये मैं 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच गार्लिक महीन कटिंग करके डालें। आप इसमें कुछ जिंजर के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको 1 से 2 मिनट भून लें, ज़्यादा देर न पकाएं। अब मैं इसमें 5 से 6 चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ। स्वाद और तीखेपन के लिए 1 से 1.5 चम्मच चिली सॉस डालिए। ये मैं लगभग 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। इसे और भी जायकेदार बनाने के लिए 1 चम्मच सोया सॉस डालें। अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा नमक डालें। मैं आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मसालों को 3 से 4 मिनट पका लें। इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, मसाला पक चुका है। अब मैं इस मसाले में चने मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से चलाएं ताकि मसाले चनों में लिपट जाएं। इसे बीच बीच में चलाकर पका लें। यह काफ़ी जायकेदार दिख रहा है। स्वादिष्ट चना चिल्ली रेडी है। इसे ट्रांसफर कर लें। आप इसे पार्टी में स्टार्टर के तौर पर सर्व करें या फिर चपाती या चावल के साथ एंजॉय करें। इसे आप यूं ही साइड डिश के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।